अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। ये साहब की जानिब से, सैफुल्ला भाई की जानिब से, पापा भाई और अहमद की जानिब से आइए उस शायर का इस्तकबाल करते हैं जो मुसलसल चार दिनों से सफ़र में है और जितनी दादो तहसीन से पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया है उसे नवाजा जा रहा है। मुझे अभी तक समझ में नहीं रहा है कि अख्तर इलाहाबादी उर्दू ज़बान के पीछे भाग रहा है या उर्दू ज़बान अख्तर इलाहाबादी के पीछे भाग रही है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जिसकी शायरी में हुकूमत के सवालों का जवाब भी है और इंसानी जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी भी। मोहतरम अख्तर इलाहाबादी साहब, आवाज़ दे रहा हूँ मैं कि मैंने जब आवाज़ दी तो बोलता कोई न था, मैं था इस जहां में दूसरा कोई न था। जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब माइक पर। मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस अजीम शान मुशायरे के कन्वीनर मेरे भाई जैसे दोस्त शमशाद चौधरी साहब, मोहित खान साहब, नदीम खान साहब और तमाम मुशायरा कमेटी को जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनकार किया। दोस्तों यकीनन वक्त बहुत कम है, बहुत सारे दोस्त मुझे सुनने के लिए आए हैं, सब अपने हैं, सब हमसे बड़े हैं। हमारे दरमियान बहुत ही मारूफ शख्सियत, बल्कि साकी नाका नहीं पूरे मुंबई में एक जाना और पहचाना जाने वाला नाम जो आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, बड़े भाई फजलुर रहमान अंसारी साहब। मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे दोस्त इश्तियाक चौधरी साहब, कुतुबुल्ला खान साहब, मेरे भाई की तरह मोहब्बत करने वाली शख्सियत आरिफ भाई, फैजुल्ला साहब, सुलेमान चौधरी साहब, बहुत सारे दोस्त। आप सबकी दुआएं चाहते हुए और सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए चार मिनटों से बात की शुरुआत करता हूं। देखिएगा असद भाई आलम निजामी साहब यहां तशरीफ फरमा है। मेरे आलम भाई यकीनन हर कदम मेरी रहनुमाई करते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन यकीनन अगर फन की बात कही जाए तो उससे बहुत बड़े हैं। मैं चार मिसल से बात की शुरुआत करता हूं। दोस्तों मैं इनकलाबी शायर हूं, जो देखता हूं वही कहने की कोशिश करता हूं, जो महसूस करता हूं वही कहने की कोशिश करता हूं। चार मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास, देखिएगा अर्थ करता हूं कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा। बहुत अच्छे अख्तर भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। हारून भाई की दुआएं मिली, बहुत शुक्रिया। मोहतरम समद चौधरी साहब की दुआएं मिली। चार मिसरे और पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि हालात हादरा का शायर हूं, चार मिसरे पढ़ता हूं। अब देखिएगा कि अर्थ करता हूं कि जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा। दोस्तों ये शेर संसद भवन में पढ़ा गया, राज्यसभा में पढ़ा गया इस खाकसार का, ये मेरे लिए फख्र की बात है। पेश करता हूं बता रहे खास अर्थ करता हूं कि जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। कि जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें,
अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई असद दस्तवी साहब की दुआएं मिली। चार मिसरे और पढ़ता हूं। राजेश भाई अंतशी फरमा है आपके हवाले से, ये शेर आपकी नजर करता हूं। चार मिसरे पढ़ता हूं कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। चार में से और पढ़ता हूँ दोस्तों। भाई से दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़ूं जी। मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों, मेरे भाई का हुक्म हुआ। तालियों से इस्तकबाल कीजिए शमशाद चौधरी साहब जी। मैं हाजिर करता हूँ। कादिर हाशमी साहब जी बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे और मालिक आमिर साहब की भी दुआएं मिली। मैं फिर पढ़ता हूँ कि किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ कि कहीं पर राम लिख देना। राजेश भाई देखिएगा शेर, कि कहीं पर राम लिख देना कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों अख्तर इलाहाबादी हंगामों में सुना जाता है, अगर आप थक गए हों तो मुझे हौसला मिलेगा आप सब अगर हौसले के साथ सुनेंगे। अख्तर भाई आप हंगामों में नहीं सुनते, बल्कि आपकी शायरी से हंगामा होता है, समझ रहे? आपको महसूस कर रहे हैं इश्तियाक चौधरी साहब, मेरे भाई भाई नदीम खान, मोहित खान और शमशाद चौधरी साहब, नफीस। दोस्तों चार मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। हजारों साल तकरीबन इस मुल्क हिंदुस्तान पर हमारी हुक्मरानी रहने के बावजूद हमने किसी शहर का नाम नहीं बदला, हमने किसी सड़क का नाम नहीं बदला, जबकि हमारे अंदर कुव्वत थी कि अगर हम चाहते तो हिंदुस्तान का भी नाम बदल देते। अख्तर इलाहाबादी चार मिसरे पढ़ता है। अगर शेर सच्चा लग जाए तो एक एक शख्स की दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूँ बतौर खास मुलादा फरमाए। अर्थ करता हूँ कि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, कि हजारों हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया इस्लाम न रखा, इसे हिंदुस्तान रहने दिया। अरे वाह वाह अख्तर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। कौमी यकजहती के हवाले से अर्ज करता हूँ कि तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरजू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो, मरूं मैं देश की खातिर, मरू मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्थ करता हूँ कि नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न
नहीं, वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है, ना मैं लंदन से आया हूँ, ना पाकिस्तान मेरा है। क्या बात है। नहीं, वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है, ना मैं लंदन से आया हूँ, ना पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों, मुझको किराएदार ना समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वाह 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 वाह, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान। फिर से पढ़ूं भाई, अब्दुल हई मनियार साहब, रफीक चौधरी साहब की जानिब से इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, मैं हाजिर करता हूं। अक्तर, जितनी तारीफ की जाए कम है भाई, आज के मुशायरे को आपने वो बुलंदी अता की। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ हवालों से। जिंदा भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। मैं हुक्म हुआ है, मैं फिर से हाजिर करता हूँ, अर्थ करता हूँ कि नहीं वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ, न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ, न पाकिस्तान मेरा है। वतन का दुश्मनों, मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वतन का दुश्मनों, मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि फंसा कर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में, फंसा कर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में, हमारे देश के हालात को बदहाल कर डाला। फंसा कर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में, हमारे देश के हालात को बदहाल कर डाला। और तेरे अच्छे दिनों से अब भरोसा उठ गया सबका, तेरी झूठी हुकूमत ने हमें कंगाल कर डाला। तेरे अच्छे दिनों से अब भरोसा उठ गया सबका, तेरी झूठी हुकूमत ने हमें कंगाल कर डाला। दो तीन कथा और पढ़ूंगा। मेरे मेहमान शायर को सुनना है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। ये चार मिसरे मैंने उस वक्त कहे जब पुलवामा का हादसा हुआ था। राजेश भाई, ये शेर देखिएगा, अर्थ करता हूँ कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मनों, इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में नाम बदलने का एक चलन सा हो चुका है। मेरे जिले का भी नाम बदल के इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। मैं बगैर किसी तमीज के चार मिसरे पढ़ता हूँ। अर्थ करता हूँ कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक एक बार तो सुन ले, मेहरबानी होगी। बहुत सारे दोस्त है हमारे बरसीन या शोरा, मेहमान शायर को सुनना है। चार मिसरे पढ़ता हूं कि मैं सिर्फ दो कथा और पढ़ूंगा, मैं समझ सकता हूं वक्त कम है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप मुझे सुन रहे हैं। चार मिसरे पढ़ता हूं कि सदाकत है जबां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं, सदाकत है जबां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूँ। सदाकत है ज़बा पर, कल्ब में ईमान रखता हूँ, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूँ। मोहब्बत दिल से करता हूँ, अदाकारी नहीं करता, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल के हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। अब दोस्तों चार मिसरे आखिरी पढ़ता हूँ। अब तमाम दोस्तों से का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे सुना। ये चार मिसरे भी मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए। अर्थ करता हूँ कि एक आवाज उठी थी कि पाकिस्तान चले जाएं, तमहीद देने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी चार मिसरे पढ़ता हूँ। अर्थ करता हूँ कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारी जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे,
अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर मानी गई ना बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यह भारत कि जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने सरहद खींच दी और टीपू सुल्तान ने अपनी कुर्बानी अता कर दी, फजल हक खैराबादी ने जिहाद के नारों का ऐलान कर दिया और 18,000 उलमा इकराम ने अपने सरों की कुर्बानी दे दी। एक तरफ गांधी जी आजादी का अलम लेकर निकले, एक तरफ सर सैयद अहमद खान अबुल कलाम आजाद ने कुर्बानी दी, तब कहीं जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। मोहतरम